barbell cut. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसहाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसहाक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे मसले हल क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, अगर बहसियत कौम, बहसियत इंसान, बहसियत इंडिविजुअल हम लोग अगर अपने ऊपर निगाह दौड़ाएं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अपनी वजह से हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें कामयाब नहीं होने देती। उन वजूहात में एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते नहीं हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की, हम अपनी ज़िम्मेदारियों की जो वजह है वो ये समझते हैं कि अगर हम नाकाम हैं तो हम दूसरों की वजह से हैं, अगर हम कामयाब नहीं होते तो हम दूसरे लोगों की वजह से नहीं होते। यही एक रवैया है जो पूरी कौम को आगे नहीं बढ़ने देता, जो पूरी कौम को तरक्की नहीं करने देता। हमारे मुल्क में अगर कोई भी मसला हो जाए तो बहसियत कौम, हमारी उंगलियां सबसे पहले हुकूमत की तरफ उठती हैं। हम कहते हैं इसकी वजह हमारे हुक्मरान हैं, इसकी वजह हमारे सियासतदान हैं, इसकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। फ़र्ज़ करते हैं अगर एक बंदा है वो घर में बैठ जाता है, वो काम पे नहीं जाता, तो जब लोग उनसे कहते हैं कि भी काम पे जाओ तो उसकी एक ही बात होती है कि मुल्क में रोज़गार नहीं है, मैं इस वजह से बेरोज़गार हूँ क्योंकि हुकूमत ने कोई नए नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि हुकूमत ने सहूलियात नहीं दी, क्योंकि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, इसी वजह से मैं आज काम पे नहीं गया, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो हमारे हुक्मरानों की वजह से ख़राब हुए पड़े हैं। तो मैं उन दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरान भी तो हम ही में से होते हैं, जैसी हम आवाम होते हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान होते हैं। जो शख्स भी हुकूमत की तरफ उंगली उठा रहा होता है या वो किसी सियासतदान को लान तान कर रहा होता है, वो सबसे पहले ये क्यों नहीं देखता कि उसी ने तो इन लोगों को वोट दिया था, उसी ने तो इनके जलसों में नारे लगाए थे, उसी ने तो इनकी भले भले की थी। तो अब अगर कुछ मसाइल हैं, अब कोई मुश्किलात हैं, जिस तरह उस वक़्त इसने आगे बढ़ के इन लोगों को वोट दिया था, इन लोगों को इख्तदार की कुर्सी तक पहुंचाया था, अब वो आगे बढ़ के अपने मसाइल भी तो हल कर सकता है, अपने लिए नए नए रास्ते भी तो तलाश कर सकता है, अपना पैगाम हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाइए आप लोग, और इसके साथ साथ लेकिन आप लोग हमेशा अपने तमाम मसाइल के हल के लिए हुकूमत की तरफ भी ना देखते रहा करें, क्योंकि चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, वो ना ही अपने सारे लोगों को रोज़गार पहुंचा सकते हैं, वो ना ही अपने सारे लोगों को सेहत की सहूलतें पहुंचा सकते हैं, और वो ना ही सारे इलाकों में
مساویانہ ریسورس تقسیم کر سکتے ہیں، تو ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں حقیقت پسندی سے ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنے مسائل کا خود حل تلاش کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اب اگر ایک بندہ گھر میں بے روزگار بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا نیا آئیڈیا لے کے آئے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ وہ ایک ایسا یونیک آئیڈیا لے کے آئے اس سے پہلے اس آئیڈیا پر جب کسی نے کام نہ کیا ہو، تو اسے ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اسے ایسا بننا چاہیے کہ وہ باقی لوگوں کے لیے مثال ثابت ہو۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جنہوں نے زیرو سے اربوں روپے کمائے ہیں اور آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دیتی ہے۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ لوگ بھی حکومت کو اپنی ناکامیوں کی وجہ گردانتے، حکومت کو ہی لان تان کرتے رہتے اور حکومت کے سہارے ہی گھروں میں بیٹھے رہتے، تو آج وہ لوگ اتنا زیادہ ترقی نہ کر پاتے۔ تو ہماری جو ترقی نہ کرنے کی وجہ ہے یا جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اس کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہر مسئلے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل جو ہیں یہ دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک کمپنی کے منیجر نے ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں اس نے اپنے تمام امپلائیز کو انوائٹ کیا اور ان تمام امپلائیز سے کہا، اس نے انویٹیشن میں لکھ دیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کانفرنس میں، اس میٹنگ میں لازمی شرکت کرنا، کیونکہ اس میٹنگ میں میں آپ لوگوں کو آپ کے وہ اس ایک دشمن سے ملاؤں گا جو آپ لوگوں کو کامیابی نہیں کرنے، جو آپ لوگوں کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کامیاب ہوں، جو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ترقی حاصل کریں، جو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ناکام ہوں۔ تو سب لوگ جب اس کانفرنس میں، جب اس میٹنگ میں حاضر ہو گئے تو اس نے کہا کہ آج میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جو آپ کی جو ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ آج دور ہو گئی ہے، وہ شخص آج مر گیا ہے، وہ شخص اب آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پہ بلایا ہے کہ آپ لوگ آخری ٹائم میں اس شخص کا چہرہ دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون شخص آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا، کون شخص آپ کی ترقی میں روڑے اٹکاتا تھا، کون شخص تھا جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ تو سب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا، سب لوگ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے وہ جا کے اس شخص کو دیکھیں۔ سب لوگوں کی نگاہیں اب منیجر پر جمی ہوئی تھی کہ منیجر اشارہ کرے اور ہم فوراً دوڑ کر، لپک کر اس شخص کو دیکھ لیں۔ منیجر نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھیں سامنے جو تابوت رکھا ہے، اس تابوت میں اس شخص کی لاش ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے جانا ہے اور اس تابوت میں جا کر دیکھنا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتا تھا، وہ کون شخص ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔
तो मैनेजर ने इशारा किया, सब लोग बारी बारी जाते गए और सब लोग बारी बारी वहाँ पे जाकर देखते गए और हैरानी और तजस्सुस से वापस आते गए। जब सब लोगों ने देख लिया तो मैनेजर ने ऐलान किया, उसने कहा कि अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इस तबूत में क्या देखा। तो मुलाजमीन ने कहा कि जब हम ताबूत में गए और जब हमने ताबूत में झांका तो हमें वहाँ पे अपनी शक्ल दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैनेजर ने उस ताबूत में आईना रख दिया था। जो भी मुलाजिम जाता था तो वो उस आईने में अपनी शक्ल देखता था। उसे ये दिखाई देता था कि वो इस आईने में खुद खड़े हैं, उस आईने में उनको अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। तो तब मैनेजर ने ऐलान किया, उसने कहा कि आप लोगों की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आप लोग खुद हैं और आप लोगों के जो रवैये हैं वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते और आप लोगों की जो सोच है वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि आप लोग हमेशा अपने मसाइल की ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं और हमेशा ये नहीं देखते कि इन मसाइल की वजह हम खुद भी तो हो सकते हैं या उन मसाइल की वजह कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी अपनी सोच हो, हमारी अपनी जो एक ज़िम्मेदारी है कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा ना कर रहे हों, बल्कि हम दूसरों की वजह से ये समझ रहे हों कि इनकी वजह से हम आगे तरक्की नहीं कर पाते। तो दोस्तों, उम्मीद काफ़ी है मेरी इस वीडियो का जो मैसेज है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो का मैसेज समझ आया है तो आप लोग इस मैसेज को दूसरे लोगों तक शेयर करना भी पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मैं आखिर में आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। जी, थैंक यू वेरी मच।